हेलो दोस्तों, टैक्स फॉर वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार और पूरे दिन की फाइनेंशियल खबर के साथ हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्केट की। मार्केट सुबह में काफ़ी पॉजिटिव रहा, ओपन होते ही वो ग्रीन रहा। लग रहा है कि यूएस मार्केट से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, लेकिन जैसे ही होम मिनिस्ट्री का एक जिस पे लॉकडाउन पे एक नोटिफिकेशन आया, पता नहीं उसके बाद मार्केट को क्या हुआ, किस तरह से उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी उसका कहीं ना कहीं लग रहा है कि असर था, या उनको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि जो होम मिनिस्ट्री जो नोटिफिकेशन लेके आएगा उसमें काफ़ी कुछ होगा। उनके हिसाब से हो सकता है कि वैसा नहीं रहा। तो पहले मार्केट की बात करें तो मार्केट सेंसेक्स 310 पॉइंट नीचे जाके बंद हुआ और निफ्टी 68 पॉइंट नीचे जाके बंद हुआ। तो जैसे कल हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने आके मार्केट को बताया था, देश को बताया था कि लॉकडाउन कैसे आगे बढ़ने वाला है, लेकिन उस लॉकडाउन में उन्होंने बहुत तरह की प्रक्रिया भी बताई, साथ के साथ ये भी बताया कि आज जो होम मिनिस्ट्री एक डिटेल कॉन्सेप्ट पेपर के साथ आएगा जो बताएगा कि अब कैसे चलना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, क्योंकि कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट है जिस हिसाब से सोचा गया था उस हिसाब से नो डाउट कि इम्पैक्ट कम है, लेकिन अभी भी हमें प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। उस प्रिकॉशन को देखते हुए होम मिनिस्ट्री ने बहुत ही लंबा एक 15 पेज का नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें जो मैं बिजनेस बातें बता दूँ, उन्होंने बहुत ऐसी एक्टिविटी थी जिसको और अभी तक रिस्ट्रिक्ट लगा, लेकिन जहाँ पे जैसे हेल्थ सर्विसेज थी उसको उन्होंने कहा कि ये अब वो उसमें कुछ कह सकते हैं कंडीशन दे दिया गया और उसके अकॉर्डिंगली अब आप काम कर सकते हैं। फिशरीज़ में भी वैसे ही किया गया, प्लांटेशन में भी वही कहा गया, एनिमल हस्बेंड्री में भी वही कहा गया, फाइनेंशियल सेक्टर के लिए भी कहा गया, साथ के साथ स्पेशल सेक्टर के लिए कुछ ऑनलाइन उन्होंने कहा कि ऑनलाइन टीचिंग को ही प्रमोट किया जाए अभी जो सिनेरियो उसके अकॉर्डिंगली। मनरेगा के वर्क को भी कहा गया कि स्टार्ट किया जाएगा, उसमें कुछ दूरी बना के काम की जाएगी, सोशल जो डिस्टेंस है उसको बना के रखा जाएगा, उसमें भी पब्लिक यूटिलिटी के लिए कुछ जो नेसेसरी आइटम है उस पर भी उन्होंने कहा, उस पर भी बात की। तो एक लंबा चौड़ा पेपर है जिसपे होम मिनिस्ट्री ने बताया है कि किस तरह से आपको काम करना है, क्योंकि जो कोरोना वायरस है वो इतना तेज़ी से फैल रहा है कि उसके इम्पैक्ट को रोकने के लिए गवर्नमेंट अपने हिसाब से बहुत सही स्टेप ले रही है। फैक्ट्री को भी स्टार्ट किया गया, फार्मास्यूटिकल को भी स्टार्ट किया गया, बहुत ऐसी एसेंशियल आइटम थी जिसको रिस्टोर कर दिया गया, बट एक से कह सकते हैं कि एक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किया गया। खैर, ये बहुत लंबा चौड़ा था, ये नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें विस्तारा की, एविएशन में विस्तारा ने फिर से अपने स्टाफ को कहा है कि आप छुट्टी पे चले जाइए और आपको कोई सैलरी नहीं दी जाएगी, ये सेकेंड टाइम विस्तारा ने किया है। उसके अलावा जीमेट ने कहा है कि 20 अप्रैल को एग्ज़ाम एज इट इज़ होगी और ऑनलाइन होगी, यानी कि पूरा का पूरा जो एग्ज़ाम होगा वो कंडक्ट होगा, ऑनलाइन होगा। इधर हम बात करें फ्यूल की कंजम्पशन की, तो फ्यूल कंजम्पशन जो ओवरऑल था उसमें 5.6% का 2020 में कम कंजम्पशन रहेगा, ये रिपोर्ट IEA ने कहा है, यानी कि टोटल जो कंजम्पशन है उसमें भी काफ़ी कम रहेगा। इधर US ने WHO की जो फंडिंग थी उस पर भी फिलहाल सस्पेंड कर दिया, उसमें कहा गया कि एक बहुत तरह की कॉन्स्पिरेसी है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और WHO ने चाइना को सपोर्ट किया है। तो एक टसल है जो US चाइना में चल रहा है, उसकी वजह से भी आप कह सकते हैं कि WHO की फंडिंग कुछ दिनों के लिए रोक दी गई। इधर एक अच्छी खबर है कैपजेमिनी, एक कंपनी है जिसने 84,000 एम्प्लाई की सैलरी बढ़ा दी है, जहां आप हर जगह सुन रहे हैं कि ले ऑफ हो रहे हैं, OHSC कंपनी की हालत ठीक नहीं है और हर कंपनी कहीं ना कहीं सैलरी कट कर रही है, उसमें कैपजेमिनी ने अपने स्टाफ की सैलरी को बढ़ाया, वो भी 84,000, बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा कदम है। इधर मानसून की भी बात करें तो गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रिडिक्शंस आ रहे हैं, जो मानसून के लिए कहा जा रहा है, वो कहा जा रहा है कि 100% रहेगा, तो एक अच्छी बात है। खेती में अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी अगर मानसून ने भी साथ नहीं दिया तो एक तो ऑलरेडी हम बहुत टेंशन में चल रहा है, इकोनॉमी बहुत स्ट्रेस में है और भी स्ट्रेस बढ़ सकता है, तो एक अच्छी बात है वहाँ पर काम कर रही है। इधर सिप्ला ने क्या किया है कि जो ऑनलाइन कंपनी है जोमेटो, उसके अलावा स्विगी, इनके साथ एक टाई अप किया है कि वेलनेस प्रोडक्ट को घर तक वो डिलीवर कर पाए, यानी कि अगर आप देखें तो रिटेल का जो बिजनेस था उसको बहुत ज़्यादा ऑनलाइन की तरफ लाया जा रहा है, क्योंकि रिटेल में अभी बहुत ऑप्शन है नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने उस तरह से रूल एंड रेगुलेशन बना रखे हैं कि आप उसमें बहुत ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते। इधर जी कंपनी ने लगभग 522 करोड़ इन्वेस्ट किया है सुगर बॉक्स, वो एक उसकी आम है जो कंटेंट क्रिएट करती है, कंटेंट क्रिएशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अब काम हो गया है, क्योंकि OTT और जिस तरह से ऑनलाइन बिजनेसेस आगे बढ़ रहे हैं वहाँ पे कंटेंट क्रिएशन अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उसको देखते हुए जी ने ये कदम लिया है और काफ़ी बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया है केवल कंटेंट
क्रिएशन के लिए। ऑलरेडी अगर हम बात करें तो G5 और बहुत सी अलग अलग चीज़ें ऑलरेडी जी ने मार्केट को दे रखा है जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है जी न्यूज़ के अलावा। उसके अलावा बात करें तो एक एस महालिंगम जी हैं, उन्होंने कहा है कि आईटी कंपनी के लिए ये सबसे स्ट्रेस का टाइम चल रहा है। अभी तक जितनी क्राइसिस आई है उस क्राइसिस में सबसे बड़ा क्राइसिस है, यानी कि उनका मानना है कि अभी का जो क्राइसिस है वो आईटी कंपनी के लिए बहुत स्ट्रेस दे रहा है। साथ के साथ कैश क्रंच की भी प्रॉब्लम आ रही है, मैन पावर की तो डिलीवरी की जो प्रॉब्लम है वो तो है ही, साथ के साथ एक रिपोर्ट भी अभी कुछ दिन पहले आ रही थी कि जो ऑनलाइन कंपनी उसमें 99% कंपनी ऐसी है जो वर्क फ्रॉम होम नहीं कर पा रहा है, उनकी बहुत तरह की अपनी प्रॉब्लम है। साथ के साथ जो बड़े सीईओ उनका भी ये बहुत मानना है कि हर काम घर से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आईटी कंपनी में बहुत बड़े इंफ्रा की ज़रूरत होती है, बहुत तरह का सेटअप की ज़रूरत होता है जो घर से पॉसिबल नहीं है। तो खैर आज के लिए इतना ही, कल फिर से हम फाइनेंशियल न्यूज़ के साथ आएंगे और पूरे दिन की जो मार्केट की फाइनेंशियल रिपोर्ट है उसको हम लाके समराइज करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ के साथ हम सारे OTT प्लेटफॉर्म पे हैं, आप वहाँ पे भी जाके दे सकते हैं, आप हमारे ऐप डाउनलोड करके भी हमारे वीडियोज़ देख सकते हैं। थैंक यू।